अगर गलत बोलूंगा तो ये डिबेट में यही खत्म कर दूंगा बिना राहुल तलान जी के पास जाए। संजय निषाद अनुप्रिया पटेल ये जातिवादी नहीं है, है ना, क्योंकि वो आपके साथ है, संजय निषाद भी अनुप्रिया पटेल भी, लेकिन राजभर और कृष्णा पटेल जातिवादी हैं। यानी आप ये मुझे समझा रहे हैं कि हमारे गोलगप्पे को रसमलाई बोलो और इनकी रसमलाई को गोलगप्पा बोलो। राइट, दुबे जी, जोर से हंसे। मैं तो जातियों पे मैं स्वीकार करता हूं कि जातिवादी राजनीति भारत के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता नहीं। तो फिर ये मत बोलो ना कि भैया हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण महासभा, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार करते हैं जातिवाद राजनीति का। योगी जी ने पूरे वक्त पे हमें राशन दिया, मरने नहीं दिया भूखा, आप ही के मुताबिक दिया, कोई राशन नहीं दिया, आप ही के मुताबिक, जैसे आपने कहा हमने मुफ्त राशन दिया, मुफ्त खाना दिया, मुफ्त नमक दिया। नहीं, जनता का हक है, मैंने मुफ्त मैं, नहीं ना आपने कहा, आपने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ, सरकार का आपने जो कहा सर मैं वही कह रहा हूँ, भूखे न मरने, मैं आपको वही कह रहा हूँ जो आपने कहा हमने मुफ्त दिया, और फिर भी अगर जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो फिर ये नमक हराम होगी या नमक हलाल होगी जनता? अरे सर, वो जनता वोट क्यों नहीं देगी, मैं क्यों नकारात्मक आप लोग सोच के बैठे हुए हैं। अभी ट्रेन चल रही है, पता चले आगे ट्रेन लड़ जाएगी, इसकी वजह से ट्रेन नहीं। आप ही कह रहे थे ना कि आपने मोदी का नमक खाया, तो ये कह रहे ट्रेन अच्छे से पहुंचाएगी, आप ही ने कहा था ना मोदी का नमक खाया, तो ये नमक नमक हराम होगी या नमक हलाल होगी जनता? इसकी सच को स्वीकार सबको करना पड़ेगा। अगर आपने जातिवाद नहीं किया होता तो उसी मन से जहां से हमारे देश के गृह मंत्री निजाम पढ़ा रहे थे लोगों को और जिसमें हर शब्द में मुसलमान था, आप वहीं पर ही उसी मंच पर अगर माफिया की डेफिनेशन सुना रहे थे तो माफिया के नाम पर विकास दुबे भी था। विकास दुबे का नाम आपने मन से नहीं लिया क्योंकि वहां पर ब्राह्मण नाराज हो जाते। अच्छा, विकास दुबे मतलब राष्ट्रवादी थे, ये समझा रहे हो मुझे? मैं विकास दुबे, मैं भी दुबे हूं सर, रिश्तेदार भी निकल है, राष्ट्रवादी तो नहीं होगा, चोर चोर होगा, माफिया माफिया। हाँ तो आप एक चोर का नाम गिनवा रहे हैं, दूसरे चोर को छुपा रहे हैं, बलात्कारी को, दूसरे का जमीन हड़पने वाले को। कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको दुबे जी, मैं भी कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। अगर राष्ट्रवादी नहीं है जिन्हें बंदे मातरम अच्छा नहीं लगता, जो भारत माता की जय से परहेज करते हैं, जो रात को 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय का आगे SC-20 पर, जो साइकिल पे बम ब्लास्ट होता है आगे SC-20 पर, इन लोगों को चेतावनी होती है SC-20 पर आगे दुबे जी, साइकिल तो एक गरीब मजदूर भी चलाता है, साइकिल तो एक गरीब मजदूर भी चलाता है सर, साइकिल तो गरीब मजदूर भी चलाता है, हर साइकिल पे बम ब्लास्ट नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजभर का असर नहीं पड़ा, कृष्णा पटेल का असर नहीं पड़ा, है कि नहीं? आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में एक अभिमन्यु किरदार होते थे, हाथ होते थे और सारे कौरवों ने घिर के उनको मार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि ये सारा विपक्ष ना कौरवों की तरह हो गया है और अभिमन्यु बना के योगी जी। आपने कहा कि आएंगे तो योगी जी, ये दुबे जी कन्फर्म है? 5000% कहीं का रोड़ा, विपक्ष ने भानमति का कुनबा जोड़ा, उसका कुनबा बिखर गया। अच्छा, योगी जी के सामने कहीं कुछ नहीं चला। अच्छा, ये जात पात नहीं चला, प्रधानमंत्री जी में आम जनता का जो अच्छा जो ये, था वो ये जातिवादी नहीं चला आप ये कह रहे हैं? अरे आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे, पूछिए तो MY चला कि नहीं, कहेंगे नहीं नहीं। अच्छा, तो ये आप जो मंत्री बनाते हैं वो जाति के आधार पर नहीं बनाते? हम तो हैं अब इंतजार कर लो ना, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, आप कह रहे कि आएगा तो योगी, अब इंतजार कर लो, ये एग्जिट पोल तो आपको बहुत सूट कर रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है, तो AK मिश्रा जी आपको मुबारकबाद दे सकते हैं या बाद में दें? कभी बुराई की जीत नहीं होती, जीत हमेशा सत्य की होती है, कभी झूठ की जीत मैंने होते हुए नहीं देखा, जीत हमेशा सत्य विश्वास की होती है, निष्ठा की होती है। और आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, उतना बोलिए जितना आप 10 तारीख को झेल पाए, ये आपके लिए भी है और चौधरी साहब के लिए भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फिर एक क्लिप निकाल के सुनाऊंगा अभी से ही आपको, फिर आप स्वीकार करिएगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अच्छी बात है तिलक भाई, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, आप करिए, हमारा जो काम है हमें करने दीजिए। बुराई पर आपने दुबे जी आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और फिर मैं 10 तारीख को सुनाऊंगा ये आपको, पक्का 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 ना सर? मैं आपको मिठाई खिलाने आऊंगा, आप मुझे बुलाइएगा, मैं शाम को आपके स्टूडियो में मैं मिठाई मैं खिलाऊंगा सर, आप लोगों की मिठाई मैं खाता ही नहीं,
आप लोगों की मिठाई नहीं खाता मैं, किसी भी नेता की मिठाई खाता ही नहीं मैं। मैंने भी अगर नेताओं की मिठाई खाई होती तो सर किसी चैनल पर टाई लगा के भी बैठा होता, समझ रहे ना सर।